जय ससुराल वालों की। साथियों आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपसे क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट दिया नहीं जा रहा या क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे एकदम से इकट्ठे नहीं दिए जा रहे तो कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपके साथ क्या क्या कर सकता है या क्या क्या करेगा और किस सिनेरियो में वो सेटलमेंट के ऑप्शन पे आते हैं। साथियों अगर आपने किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, मैं हर बार कहता हूं क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 क्रेडिट कार्ड भी ले रखे हैं। साथियों क्रेडिट कार्ड पे जो मिनिमम अमाउंट के नाम से पैसा आपसे लेते हैं, इनका ब्याज है, इनका इंटरेस्ट है, वो कम से कम 60% है और कुछ NBFC कंपनियां तो 100% तक भी उसको लेती हैं। और भगवान ना करे वो मिनिमम अमाउंट भी अगर आपसे नहीं दिया गया तो आपको से 160% पैसा भी वसूल करते हैं ब्याज पलंटी जुर्माना लगा के। आप एक बात समझे, जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, ब्याज की जब भी गणना होगी वो ईयरली होती है, एनुअल होती है, कभी भी मंथली नहीं होती। तो ये करते क्या है, अगर आपको होम लोन लेना है तो आपको 6.5% पेजली मिल जाएगा, आप ही क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको 60% ब्याज पे दे रहे हैं। साथियों आप बहुत से आदमी ये कहते हैं कि सर मेरे फ्रेंड ने मेरे रिश्तेदार ने 75% पे सेटलमेंट कर लिया या 50% पे कर लिया या व्हाटएवर। साथियों आप ये ना समझे कि हमने अगर सेटलमेंट कर लिया तो हमने बैंक या NBFC कंपनी को चूना लगा। अरे भैया जब ये क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में उतरने की सोचते हैं, क्योंकि ये बैंक जो होता है या NBFC कंपनी बहुत से टाइप के अलग अलग बिजनेस करता है, होम लोन देता है, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस का देता है, पर्सनल लोन देता है, बिजनेस लोन देता है, उसके मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं उस बैंक और NBFC कंपनी के। इंग्लिश में अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास नोटिस आ रहे हैं, सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, अन्य किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आ रहा है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। सबका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अमेरिका में एक कहावत है मोर रिस्क मोर गेन, जितना ज्यादा किसी काम में रिस्क होगा उतना ज्यादा उसमें प्रॉफिट होगा। जब कोई भी बैंक या NBFC कंपनी क्रेडिट कार्ड के बाजार में उतरना चाहती है तो जो इनकी बैकएंड टीम होती है उसको बड़े अच्छे से पता होता है कि भाई इतने परसेंट आदमी तो पैसा लेके देंगे ही नहीं, चाहे तत्ते तवे पर अपनी दुकान रख लें वो पैसा नहीं देंगे, और इतने परसेंट आदमी के साथ सेटलमेंट करनी पड़ेगी, और एवरेज रेशियो ये निकल के आएगा, कोई 25% डिस्काउंट पे करेगा, कोई 35% पे, कोई ज्यादा ही कलाकार होगा जिन्हें सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख रही होगी तो 75% डिस्काउंट भी ले जाएगा। तो ये एक एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई लगभग 50% पैसा मारा आएगा, और इतने परसेंट आदमी मिनिमम के नाम से इनको पैसा देते रहेंगे, वो इनकी असली दिहाड़ी है। भाई अमरदीप कादियान को होम लोन देंगे तो 6% ब्याज लेंगे, मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दिया तो 60% ब्याज लेंगे, 10 टाइम ज्यादा, ये इनकी कैलकुलेशन है। साथियों कोई भी बैंक या NBFC कंपनी सेटलमेंट पे कब आता है इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। हां मेरे देखने में आया जब 6 महीने, साल या 2 साल हो जाते हैं फिर तो डेडलाइन है, फिर तो ये सेटलमेंट ही करेंगे। अब बहुत से आदमी हमारे पास ये हमारे से क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्या बैंक हमारे ऊपर केस कर सकता है, उसका जवाब है हां, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का या किसी भी लोन का 10,000 रुपया भी देना है तो 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकता है। अब सवाल यह कि करता क्यों नहीं, अरे इसलिए नहीं करता भैया, कोई भी बैंक या NBFC कंपनी जब आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो आपसे चेक नहीं लेता। अब जब चेक नहीं लिया तो 138 का चेक बाउंस का तो केस हो ही नहीं सकता, और 99% केस में ECS भी नहीं लगा होता, मतलब
आपका जो पैसा है वो ईसीएस से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पास नहीं जाता ईएमआई के रूप में, या वो आप फुल अमाउंट या मिनिमम जो पे करते हैं इनको, या कोई पेटीएम से करता है, जीपे से करता है, या फोन पे से करता है, या कैश दे के आता है, या चेक से दे के आता है, तो ईसीएस बाउंस का भी केस नहीं कर सकते। हाँ, एक सिविल का केस कर सकते हैं। अब सिविल का अगर ये केस करेंगे आपके ऊपर, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लग जाते हैं। इतने में इनकी कैच निकल लेगी, क्यों? इन्हें तो 60% ब्याज लेने का लपा रहा भाई, ये 6% में मजा थोड़ी आ रहा, खून लग रहा है इनके मुंह तो, लोगों का फुद्दू बनाया जा रहा है, फ्री में पैसे मिल रहे 50% 50 दिन के लिए। अरे 50 मिनट के लिए भी फ्री में नहीं मिलते यार, मेरे तो दुआ देना फ्री में नुका दे, फिर 50 दिन के बाद भी ब्याज नहीं रहे। जितने आपके पास फोन आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड की ऑफर है आपके लिए, नुका अपनी दुकान में सूट लेना है क्रेडिट कार्ड की ऑफर ना, भाई रोही रहा मेरे दे रहा क्रेडिट कार्ड, तू अपो ले लेना नंग, मारा तो नंग हो, तू नंग हो जा। 54 छाप परेशान रास कर रहे हैं, तो 54 छापों की दुकान के अंदर पेट्रोल लगाएं या इनका डिसेंट गाड़ियों से स्वागत करें। ये कहते हैं जेल हो जी, कोई जेल नहीं होती भाई क्रेडिट कार्ड में, बकवास कर रहे हैं, केस होएगा नुका, हाँ कर दे जल्दी कर दे केस। भाई केस ये इसीलिए नहीं करते, क्रेडिट कार्ड में मैंने आज तक किसी को ऊपर केस होता हुआ देखा। बाद में जाके या तो ये सेटलमेंट करेंगे या उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ क्यों करेंगे, छोड़ेंगे क्यों उस पैसे को? अरे भैया नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, इनका एनपीए बढ़ जाएगा, एनपीए बढ़ जाएगा तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी धड़ाम से नीचे गिरेगी, जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया। इनका शेयर बाजार में लिस्टेड है, शेयर नहीं लोग खरीदेंगे, वो धड़ाम से नीचे गिरेंगे, खुद ही नंगड़ हो जाएंगे। यही कारण है कि सेटलमेंट करते हैं। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, अपने मुंह से कभी नहीं बोलना कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, इनको बोलने दें या खुद से बोलेंगे 25% डिस्काउंट हो जाएगा। जितना ज्यादा टाइम बीतता जाएगा, सीधा हिसाब है सेटलमेंट का, भाई अगर आपने मिनिमम अमाउंट भी नहीं दिया इनको, जो मिनिमम ड्यू है वो भी 6 महीने साल हो गए दिए ही नहीं, तो इनको क्या समझ में आता है कि भाई ये आदमी नंगड़ हो चुका है, इस पे पैसे नहीं है, अब ये इससे जितने ले जावा ले ले, भाई भागते चोर की लंगोटी से ही, नहीं तो ये लंगोटी भी नहीं देगा, फिर घंटा ले लिए बताया। तो इसलिए सेटलमेंट करते हैं। अब जितना ज्यादा टाइम आपका बीत जाएगा उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा, 75% से 80% तक भी ये डिस्काउंट देते हैं। डिपेंड करता है कि आप खुद से ना इनको बोले, खुद से ज्यादा उत्साहित ना हो, ये बोल रहे हैं बोलते रहने दे। जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट के नाम से 54 छाप फेक सेटलमेंट भी कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो इनको चेक ना दें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में कभी चेक की जरूरत नहीं, या किसी और भी तरह का सेटलमेंट कर रहे हैं चेक ना दें, नहीं तो ये क्या करेंगे, भगवान ना करे वो टाइम पे आपसे सेटलमेंट के पैसे नहीं दिए गए तो चेक बाउंस का केस कर देंगे आपके ऊपर, जो कि ये कम से कम 1000 किलोमीटर दूर करते हैं। हरियाणा में रहते हो गए तो गुजरात कर देंगे, गुजरात में रहते हो गए दिल्ली कर देंगे, दिल्ली में रहते हो गए मुंबई कर देंगे, मुंबई आएगा कलकत्ता कर देंगे, कलकत्ता आएगा जम्मू कश्मीर कर देंगे। ये इनको परेशान और रास करने का तरीका है, ताकि ये डर के मारे पैसे दे दे। चेक ना दे किसी भी 54 छाप को, और ना ही किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को चेक दे। क्यों? चेक किस चीज के देने भाई, सेटलमेंट होगी पैसे दे दूंगा, अब नहीं दे दूंगा तो सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगी यार, खोपड़ा खराब कर रहे हैं, और क्यों जाएगा फिर पांची दे देगा के? किसी भी आदमी को चेक नहीं देना, आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक नहीं देना सेटलमेंट के टाइम पे, खुद से नहीं बोला, सेटलमेंट फेक भी कर देते हैं, 75% डिस्काउंट दे देंगे 54 छाप, खुद से ही फेक सेटलमेंट लेटर दे देते हैं लोगों को, हाँ भाई होगी भाई सेटलमेंट, फिर क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का था 2.5 लाख में सेटल कर दिया, फिर वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी 7.5 लाख रुपए मांगने शुरू कर देगा, फिर दूसरे 54 छाप को भेज देगा। जो आपके पास नोटिस आते हैं 99% फेक है, 54 छाप खुद से ही एडिट करके उसको भेज देते हैं। जब भी कोई नोटिस आए फेक नोटिस डिसेंटेड वाली के वीडियो देख ले, डरे घबराए नहीं, अगर आपको अपने अधिकार पता है, राइट्स पता है, तो डर आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी आपका किसी भी तरह का लोन है, आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट हो गई, तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, आप क्रिमिनल लिमिट है लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से। सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉज नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता,
ईएमआई डिफॉल्ट होने में, फिर चाहे वो 25 लोन की डिफॉल्ट हो गई और सह सबकी पांच पांच ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, क्रिमिनल आपको इन 54-56 ने घोषित कर रखा है, इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दे या गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वायलिक के वीडियो देखे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से इन भिखमंगों को डिसेंट गालियां देनी है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, पता है अबे पता है क्या गंजे टकले, तेरे को कह रहा हूं ससुराल वालों की जय कर लेकर अपनी, नहीं तो जोन से बाल बच रहे ना, ये भी उड़ा देगी तेरी लुगाई जिस दिन पता लग गया कि ससुराल वालों की जय करनी मैंडेटरी है।